हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा लिया है। ये कपड़ा मेरा, मान लीजिए ये कपड़ा मेरा 2.25 मीटर है। तो ठीक है, इसमें मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो इसकी जो लेंथ हमने रखनी है वो 36 इंच रखनी है। कमर हमने लेनी है 18 इंच। 18 इंच में जो कमर में मार्जिन बीच में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फोर फोल्ड करना है कपड़े को। कपड़े को फोर फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमने झालर का, जो झालर लगानी है नीचे वाली साइड में, उसका हम निशान लगा लेंगे। तो 2 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है झालर पे। नीचे वाली साइड में 2 इंच की झालर लगेगी और ऊपर वाली साइड में हमारी 2 इंच की बेल्ट लगेगी, ठीक है। तो बेल्ट मैंने कट करी है 5 इंच की, ठीक है। इसको डबल फोल्ड करके लगाएंगे तो हमारी दो दो या 2.5 इंच की बेल्ट मतलब बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने झालर भी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये मेरी झालर भी कटिंग हो गई है और बेल्ट भी कटिंग हो गई है। बाकी ये जो बचा कपड़ा है इसमें मैं पेटीकोट की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमने पेटीकोट की लेंथ लेनी है, ठीक है। ऊपर हमारा 2 इंच बेल्ट के लिए हम छोड़ेंगे, क्योंकि बेल्ट हमारी 2 इंच की लगेगी, 2-2.5 इंच की। और वो छोड़ते हुए हमने यहाँ पे लेंथ लेनी है पेटीकोट की 34.5 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया, 34.5 इंच की लेंथ ले ली, ठीक है। अब ये साइड में रख देंगे कपड़ा, ये कपड़ा हमारे काम आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली बेल्ट है मेरी और नीचे हमारी झालर है। ये सारा कुछ मतलब मार्जिन वगैरह बीच में ही है। तो तैयार मेरा 36.5 या 36 इंच तैयार हो जाएगा पेटीकोट। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच लेना है कमर का निशान, मैंने 9 इंच लगाया। जो हमने कली डालनी है 9 इंच की डालनी है, ठीक है। तो दोनों साइडों में मैंने 9-9 इंच पर निशान लगा लिया है। मार्जिन इसमें बीच में ही है, ठीक है। आधा आधा इंच जो मार्जिन में जाएगा, बाकी जो बन के तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइड से इसको कट कर दिया है, ठीक है। आप जुड़ा हुआ हिस्सा या कट कर लें, या फिर आप खुले हुए हिस्से की तरफ से भी मार्किंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी जो पेटीकोट की कटिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग कैसे करनी है, एक साइड बड़ी लेनी है और एक साइड छोटी लेनी है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा होगा उसको हमने कट कर देना है। वो सिलते समय मैं आपको बताऊंगी कैसे कट करना है। तो ये कटिंग हो चुकी है, ऊपर हमारी बेल्ट है और नीचे ये झालर लगेगी, ठीक है। आप इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। तो ये 4 कलियों वाला पेटीकोट है, ठीक है। इसी तरीके से आप 6 कलियों वाला भी पेटीकोट तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैंने 4 कलियों वाला पेटीकोट की कटिंग सिखाई है। तो ये मेरा डेमो पीस है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप किसी बड़े का भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो जो मैं साइज़ बता रही हूँ वो बड़े का ही है, ठीक है। जैसे 36-32 इंच साइज़ तक ये पेटीकोट आप पहन सकते हैं, ठीक है। जो कमर हमारी 32 इंच होगी और लेंथ हमारी 36 इंच होगी, तो इस साइज़ का आप इसको पहन सकते हैं। तो वो साइज़ मैंने आपको यहाँ पे कटिंग करके बताया है। तो आप इसकी कलियाँ जोड़ेंगे। कलियाँ जैसे मैंने बताया था, एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा आपने इस तरीके से जोड़ना है। तो ये दोनों साइड की कलियाँ मैंने जोड़ ली हैं। अब यहाँ पे इसको आपस में इसको भी जोड़ देना है हमने। तो ये देखिए चारों कलियाँ हमारी जुड़ गई हैं। अब यहाँ पे हमने एक हुक पट्टी लगानी है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ा सा फोल्ड करके इतना हिस्सा आप छोड़ सकते हैं, पर यहाँ मैं आपको हुक पट्टी लगाना बताऊंगी। तो काफ़ी फिनिशिंग से ये पेटीकोट है जो बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे ये साइड, ये वाली जो पट्टी मैंने लगा रही हूँ मैं, ये बड़े बढ़ेगी, बड़ी हुई पट्टी लगेगी, इसमें हमारी आई बनेगी, ठीक है। इस तरीके से हमने बढ़ा करके ये पट्टी लगानी है। तो इसमें हमारी आई लगेगी और जिस तरफ आपका हाथ सीधा बैठ रहा है उस तरफ आप इस पट्टी को लगा सकते हैं, आई वाली पट्टी को। तो ये वाली जो पट्टी है अंदर की तरफ रहेगी, हुक पट्टी लगेगी इसकी। तो इसको मैंने डबल फोल्ड किया और जहाँ पे मैंने कट लगाया था वहाँ तक मैंने इसको सिल दिया है, ठीक है। अब सिलने के बाद इसको ऐसे हमने, जो चौथी कली है उसको भी हमने इस तरीके से सिलना है। सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए, जो पट्टियों की सिलाई है उसके साथ ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे हमने सिल देना है जो लास्ट कली बची है। फिर इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे जो हमने पट्टी लगाई है। तो इस तरीके से ये फिनिशिंग से पट्टी लग जाएगी। इस तरीके से हम जो पेंट में ये पट्टी लगाते हैं,
इसी तरीके से लगाते हैं, और जो हुक ब्लाउज में हुक पट्टी लगती है वो भी इसी तरीके से लगती है। तो ये पेटीकोट में मैंने ये हुक पट्टी लगाना आपको बताया है कैसे आप इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे आप एक या दो हुक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको फिनिशिंग से पक्का कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से ये पेटीकोट बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, और 2 मीटर कपड़े में, 2.25 मीटर कपड़े में आपको ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, झालर भी निकल जाएगी, पेटीकोट भी बन जाएगा और इसका नाड़ा भी बनके तैयार हो जाएगा। तो ये पट्टी मैंने लगा दी है, अब नीचे हमारी झालर बची है और ऊपर वाली बेल्ट बची है। तो ठीक है, ये बेल्ट मैंने कटिंग करके रखी हुई थी, और जितनी आपको चाहिए उतनी आप कट कर लें, या फिर आप बाद में भी कट कर सकते हैं। पहले इस तरीके से आप फोल्ड कर लें, तो पहले आप बेल्ट लगा लें, नहीं तो अगर कट कर लेंगे तो बड़ी छोटी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है कपड़े को, और उसके बाद आपने जो पेटीकोट के कपड़े को ऐसे ऊपर रखना है, सीधी साइड ऊपर रखनी है, ठीक है। ऐसे ऊपर रखते हुए अब आप सिलाई लगा देंगे। तो जितनी हमें कपड़ा जितना चाहिए उतना हमने कट कर लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही कट करना है क्योंकि दूसरी साइड में भी हमने कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा ज़्यादा कट किया है, ठीक है। तो दूसरी साइड से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसको ऐसे अंदर की तरफ कपड़े को करते हुए इसकी जो नेफा है उसको फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे आप नाड़ा डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने नेफे वाली साइड भी फोल्ड कर दी है। अब ये जो खुली वाली साइड थी इसको मैंने स्टिच नहीं किया था, लेकिन अब इसको मैं स्टिच कर दूंगी। तो इस तरीके से आपने इसको सिल देना है। अब ये देखिए स्टिच नहीं है, इसको मैंने स्टिच करना है। तो आप काफ़ी फिनिशिंग से ये काम करेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग आएगी आपके पेटीकोट में। तो ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सिल देना है। चाहते तो आप इसी तरीके से लगा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने फिनिशिंग से काम करना है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा मशीन से निकाल करके इसकी मैंने स्टिचिंग करी है। आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने फ्रिल तैयार करनी है। अगर कन्नी वाली साइड है तो नीचे से मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर कन्नी वाली साइड नहीं है तो आप नीचे वाली साइड में एक सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि धागे वगैरह नहीं निकले। तो इस तरीके से आपने फ्रिल को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रिल भी मेरी तैयार हो चली है। तो इस तरीके से आप फ्रिल अगर ज़्यादा चौड़ी लगाना चाहते हैं तो आप 2 या 2.5 इंच की कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डेमो पीस के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की फ्रिल कट करी थी। अगर आपने पूरा मतलब पहनने के लिए पेटीकोट बनाना है तो आप 2 या 2.5 इंच की फ्रिल कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रिल को अटैच कर देंगे। फ्रिल और बेल्ट को निकालते हुए आप हिसाब लगा लें, जितना आपको चाहिए बीच वाला हिस्सा उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ है वो 36 इंच या 36.5 इंच तैयार हो जाएगी। तो ये मेरी फ्रिल भी लग चुकी है। अब ये देखिए कितना अच्छा पेटीकोट बन के तैयार हुआ है, और नाड़ा भी मैंने डाल दिया है इसमें, ठीक है। तो ये डेमो पीस है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।